नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक एज इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, फायदा ये रहे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एकदम कम्प्लीटली फ्री है सब्सक्रिप्शन। चलिए तो मैं आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं www.tin-nsdl.com/pan-pan-index.php। ये है वेब पेज, इसका यूआरएल जो है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये लिंक पे विजिट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसलिए पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑनलाइन में देखिए यहाँ पे दो तरह का चार्जेज है, एक है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया, एक है कि इंडियन रेजिडेंशियल के लिए। तो अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया को डिस्पैच करवाना है तो आपको 994 रुपया लगेगा, अगर इंडिया में है तो 107 रुपया उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। बस 107 रुपया में ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अब बहुत कैटेगरीज होता है, आगे मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि आपको तीन टाइप का है कि अगर आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन सिटीजन के लिए तो यहाँ पे है सारा गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या करना है, वो सब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भरने से पहले एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे अप्लाई लिंक है, अगर आप फॉरेनर हैं मतलब कि फॉरेन सिटीजन हैं और यहाँ पर मतलब वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए ये है रूल्स रेगुलेशन। तो ये तो आप लोग के लिए होगा नहीं, क्योंकि जो भी हिंदी अगर सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ 99% के 100% चांस है कि सब इंडियन ही होंगे और हिंदी मतलब रीडर होंगे। चलिए इसके बाद है कि रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड खो जाता है फिर से आपको चाहिए तो इसके लिए आपको और कुछ चार्ज तो काटेगा ही काटेगा। और इसके बाद है कि अगर आपके पैन कार्ड में कोई मतलब डेटा जो है गलती हो गया है, करेक्शन करवाना है, चेंजिंग कराना है या करेक्शन कराना है, तो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ इस लिंक के साथ, मैं चाहता था डायरेक्ट लिंक भी दे सकता था, लेकिन पैन कार्ड अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जो आपको काम दे सकता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये न्यू एप्लीकेंट है आप, तो नया एप्लीकेशन पे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको आ जाएगा onlineservices.nsdl.com। दोस्तों ये जितने भी पैन कार्ड का काम होता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन कराता है वो NSDL कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन या रजिस्टर्ड यूजर, अगर आप पुराने यूजर हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, नहीं ऑनलाइन अप्लाई पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप कौन सा है, न्यू पैन है, फॉरेन इंडियन के लिए या चेंजिंग करना है, इसके लिए लिंक हो गया, ठीक। कैटेगरीज इंडिविजुअल चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट, जितने भी है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कोई फॉर्म खोले हुए हैं या HUF है तो इसके लिए हो जाएगा आपको। तो आप अगर इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यू, यहाँ पर हो जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल आप अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी है लिख लीजिएगा। नाम फिलअप कीजिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, जो दोस्तों ये DDMMYY के फॉर्मेट में लिखिएगा, MMDDYY के फॉर्मेट में मत लिख दीजिएगा। वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा DDMMYY चलता है इसीलिए ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया हो गया। और ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी है वो जरूर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्क चूंकि ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना जरूरी होता है, जिस पे कुछ लिंक्स, कुछ वेरिफिकेशन भेजा जाएगा, ठीक है। पासवर्ड तक भी भेजा जा सकता है। अब ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर भर के ये कैप्चा जो है यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो कर लीजिएगा, अगर आपको हो सकता है कभी कभी समझ ना आए तो यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पे लिंक जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस जाएगा, उसके बाद आपको जो टोकन चला जाएगा तो वो यहाँ पे रजिस्टर यूजर, फिर से वही लिंक पे आकर के रजिस्टर यूजर पर टेम्प्रेरी टोकन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ कैप्चा डाल के सबमिट कीजिएगा, तो आपको फिर क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा पैन कार्ड के लिए। सारा का सारा डाटा वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, फिलअप करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड, पहले तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, कुछ दिन के बाद पैन कार्ड आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, अभी तक कोई सवाल सुझाव रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक एज इन्फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।